एक मिनट नहीं, नहीं, एक मिनट मैं बता रहा हूँ कौन चाहता है सवाल। एक मिनट सवाल होने दो, सवाल पहले बाल योग, पहले ये सवाल होने ये सब हटाओ पहले सवाल। बाल योगी चाहता है नहीं, नहीं, ये बार बार आप नहीं, अभी एक चीज हुई सुनिए, पहले आप पहले बात आप ये कहिए कि भाजपा के लोग कहते हैं आप हम पे टारगेट मत करिएगा। बात तो पूरी होने दीजिए, आप लोग चाहते हैं देश में आप फिर ऑब्जेक्शन नहीं 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 मैं नहीं चाहता। दूसरी बात पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं इस मीडिया के माध्यम से कि मैं ये चीज नहीं चाह रहा। ये पत्रकार महोदय मुझे थोपना चाहते हैं, मैं हिंदुस्तान लोग हमें सुनना नहीं चाहते हो, आप लोग सिर्फ अपनी कहने आए। ना भाजपा देश है और ना प्रधानमंत्री एक भाजपा के हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री तिरंगा फहराने की बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी झंडा फहराने की बात नहीं हो रही है। आप हमें नहीं सुन रहे हो पत्रकार महोदय, सुन लेना आप देश के पत्रकार सुनना, पहले तो तमीज से बात कीजिए। मैं पत्रकार महोदय बोल रहा हूँ। ओ क्या होता है? मैं पत्रकार तो प्रधानमंत्री ओ दीदी बोलते का सम्मान नहीं था क्या? हमने ओ भाई का दिया। अच्छा, वो अच्छा, उस वक्त तो पेट में दर्द हुआ था आपके। मैं तो महिला थी, मैंने कहा ओ भाई ओ सुनो ओ पत्रकार महोदय, पत्रकार महोदय वो महोदय समझ में नहीं आ रहा क्या? अमित शाह जी कहते हैं वहां से ओ सफेद कपड़े। जब यति नृसिंहानंद का बयान है, यति नृसिंहानंद का बयान है, क्या बयान है? बयान ये है कि तिरंगा ना फहराओ भगवा फहराओ, और हम कह रहे हैं और जो कि ये पीड़ित भी आदमी आपके साथ, इसमें हिंदुओं की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, फिर ये सवाल तो देश के प्रधानमंत्री से वो पूछे कि उन्होंने मुसलमानों को ठेका क्यों दिया, यहाँ पे आके जनता को नफरत की आग में ना लहूके। भारतीय जनता पार्टी ने ठेका दिया चाइना में, ठेका दिया तिरंगों का, और खादी का बायकॉट किया, और हम खादी को बायकॉट नहीं करने देंगे इनको। खादी कपड़ों का बायकॉट किया जा रहा है। खादी क्यों उन्हें बायकॉट करने देंगे? क्यों खादी पहनते हैं आप? क्या दिख रहा है? देखिए छुई ना, क्यों खादी का बायकॉट छोड़िए, नहीं करने। महात्मा गांधी के फिर काय बात का हिंदू राष्ट्र बना रहे हो, काय बात पुरानी सभ्यता लेके आ रहे हो? अरे खादी का मतलब जानते हो? बताइए। साधु संतों का खादी का उपयोग पहनते थे, बताइए ना। खादी की बनिया, खादी की जो प्रस्त हुआ करते थे उसे पुजारी लोग पहन के मंदिरों में बढ़ा करते थे। अब खादी नहीं है, जनेऊ भी खादी का ही बनता है, जनेऊ भी खादी का ही बनता है। कितना बताए, ये हिंदू सभ्यता का दोहन है, पश्चिमी सभ्यता लाके, अंग्रेजी सभ्यता लाके हमारे देश को बिगाड़ कर और हमें हिंदुत्व का झूठा प्रचार करवाना पड़ता। देखिए पंडित जी, सीधी सी बात है, आप लोग चाहते हैं कि देश में भगवा फहरे, क्योंकि कौन चाहता है? एक मिनट, एक मिनट मैं बता रहा हूँ कौन चाहता है। सवाल एक मिनट, सवाल होने दो, सवाल पहले बाल योग, पहले ये सवाल होने ये सब हटाओ पहले सवाल। बाल योगी चाहता है नहीं, ये बार बार आप नहीं, अभी एक चीज हुई सुनिए, पहले आप पहले बात आप ये कहिए कि भाजपा के लोग कहते हैं आप हम पे टारगेट मत करिएगा। बात तो पूरी होने दीजिए, आप लोग चाहते हैं देश में आप फिर मैं ऑब्जेक्शन नहीं 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 मैं नहीं चाहता। दूसरी बात पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं इस मीडिया के माध्यम से कि मैं ये चीज नहीं चाह रहा। ये पत्रकार महोदय मुझे थोपना चाहते हैं, मैं हिंदुस्तान में देश में जब तिरंगा अभियान चलता है तो आप लोगों की इतने पेट में दर्द क्यों? पेट दर्द आपके हो गया, पेट में दर्द संबंध का हो गया, पेट का दर्द तो निसंबंध को पेट में दर्द तो आप लोगों का होता है जी। अगर मैं दिखा दिया कि मैं भगवा फहरे तो दिक्कत, तिरंगा फहरे तो दिक्कत, चैन किस में है? यानी कि आप चाहते दूध की थैली पर एक मिनट को भाजपा ना फहराए तिरंगा, भाजपा को का हक नहीं है तिरंगा फहराना। बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, आप बोलेंगे सुनना। हाँ बोलिए। आप लोग हमें सुनना नहीं चाहते हो, आप लोग सिर्फ अपनी कहने आए। ना भाजपा देश है और ना प्रधानमंत्री एक भाजपा के हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री तिरंगा फहराने की बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी झंडा फहराने की बात नहीं हो रही है। आप हमें नहीं सुनोगे, हम नहीं बोलेंगे, ना जवाब देंगे। ना आपकी तो पूरा देश सुन रहा, बोल दिए तो सही, जवाब ही नहीं देंगे आप, या तो आप फिर भी आपके पास जवाब। बोलिए बोलिए, जब आप बीच में आ जाओगे तो क्या बोलेंगे? बोलिए बोलिए, जो बोलना चाहते बोलिए। भाई हमारे कहने का मतलब बार बार मैं दिखा रहा हूँ कि 20-20 रुपए में ठेला लगा, प्रधान लगा के भेजा गया तिरंगा को। आप भाजपा सत्ता में है, आप सुनना नहीं चाहते हो, बार बार इंटरप्ट कर दे रहे हो हमको। दूसरी बात, आरएसएस के यहाँ से निमंत्रण आ गया कि तिरंगा नहीं फहरने देंगे, नृसिंहानंद ने भी कह दिया, तो देश के प्रधानमंत्री कार्रवाई क्यों नहीं करते आरएसएस पे? मेरा सवाल है, सुनना हो पत्रकार महोदय, सुन लेना आप देश के पत्रकार सुनना, पहले तो तमीज से बात कीजिए। मैं पत्रकार महोदय बोल रहा हूँ। ओ क्या होता है? मैं पत्रकार तो प्रधानमंत्री ओ दीदी बोलते का सम्मान नहीं था क्या? हमने ओ भाई का दिया। अच्छा, वो अच्छा, उस वक्त तो पेट में दर्द हुआ था आपके। मैं तो महिला थी, मैंने कहा ओ भाई ओ सुनो ओ पत्रकार महोदय, पत्रकार महोदय वो महोदय समझ में नहीं आ रहा क्या? अमित शाह जी कहते हैं वहां से ओ सफेद कपड़े। जब गोदी मीडिया जब जनता की सुनोगी नहीं, आप सुनना डिवाइड मत करना, या आप लोग बीजेपी की पोल खोलने नहीं दोगे हमको, हमें मालूम चल गया। बीजेपी पोल खोलने नहीं नहीं दोगे, आप बोलने नहीं दे रहे हो। आप बीच में बार बार मुद्दे घुमा घुमा के मुद्दे बार बार कई बार इंटरप्ट किए हो, और मैं ये चीज़ कहूँगा
कि संतों को खुली आजादी नहीं दी जा रही है बोलने की। आपको इस चीज में बहस करना है या फिर देश के मुद्दे पे बहस करना है? आप महंगाई विरोध करेंगे? वही तो मैं कह रहा हूँ, महंगाई तो करनी नहीं है। महंगाई पे आ जाओ, महंगाई नहीं, 5 अगस्त को महंगाई पे तो करो ना। आपको काला जादू बता दिया जाता है, रुक जाओ रुक जाओ। आप लोगों 5 अगस्त को कांग्रेस जब क्या कहते हैं महंगाई पे, मैं पूछता हूँ, जीएसटी लगा के जब जीएसटी लाई गई कब, 2017 में, तो कहा गया पेट्रोल डीजल और दारू शराब को हम जीएसटी के दायरे में ले आएंगे और तेल के दाम कम करवाएंगे। कानिया बाबा भी आवाज़ उठाया था, वो महंगाई के दिन कहाँ गए, वो अच्छे दिन कहाँ गए। समीर भाई एक बयान था, मैं याद दिला दूँ, मेरे देश के लोगों मैंने तय कर लिया है 2022 तक सबको पक्का मकान मिल जाएगा। समीर भाई कई दिन बाकी है? 3 दिन बाकी है। आपके पास मकान है? मकान नहीं है। मेरे पास मकान नहीं है, किराए पे। तिरंगा का अपने खोपड़े बनाएंगे? तिरंगा कहाँ फैलाएंगे, खोपड़े में बनाएंगे? जब हमारा घर ही नहीं दिया गया, हमें लूट लिया गया, बेरोजगारी बढ़ाई गई, अग्निवीर को फुटपाथ पे सो रहे हैं का? हाँ भाई, चलिए दिखाते हैं आपको घर। चलेंगे, अभी चलेंगे। हाँ, आपको घर दिखाएंगे अपना। अब मोदी की तरह राजशाही नहीं है कि 1,000 करोड़ का मशरूम खाते हैं। समझना, चलने तक के लिए महसूस किया गया। हम लोग यहाँ पे पढ़ने आए थे ना, उस टाइम पे महंगाई, आज की महंगाई देख लीजिए। और आप हमें मत देखिए, जाके अमित शाह के बेटे को देख के आइए कि 16,000 गुना की संपत्ति कैसे बढ़ गई। जाके पीयूष गोयल को देख के आइए कि 3,000 करोड़ की संपत्ति कैसे हो गई, 30,000 से। पूछ के आओ उनसे। और अगर हमारा कोई परीक्षा लोगे ना, तो हम आज नहीं कभी भी। महंगाई के मुद्दे पे मौलाना आप क्या बोल रहे हैं? महंगाई के मुद्दे पे कांग्रेस ने आवाज़ उठाई 5 अगस्त को, जो पूरे पूरे देश में देशव्यापी आंदोलन किया, उसमें मोदी जी एक नया नैरेटिव बनाने की, देश की राजनीति को भटकाने के लिए काला जादू का सेंस लेके आ जाते हैं कि काला जादू की तरफ मुड़ रहे हैं, के प्रपक हो रहे हैं काला जादू के लिए। काला जादू 2014 में किया गया था, काला जादू पूरा सरेंडर लेकर 2014 में किया गया, 2014 से पहले का पूरा पूरा काला जादू किया गया ताकि सरकार बन जाए, सरकार बन जाए। अच्छा ये बताओ, मोदी जी ने कहा था, कैसी कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आप। मोदी जी का स्टेटमेंट बहके तो मोदी जी फिर थे, या बहक तुम गए हो, पढ़े लिखे नहीं हो क्या? देखे